राजस्थान पेंशनर समाज की ओर से आज एक दिवसीय कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। इस दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पेंशनर समाज के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी को ज्ञापन भी सौंपा। अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि पेंशन को लेकर कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिटायरमेंट के बाद भी कई कर्मचारियों को साल भर से वेतन नहीं मिल रहा। प्रशासनिक कर्मियों के चलते कर्मचारियों को कोटा से जयपुर, जयपुर से कोटा के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी के साथ कर्मचारियों को RGHS में भी इलाज करने में काफी परेशानी आ रही है। उन्होंने बताया कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो हम जयपुर जाकर पड़ाव करेंगे। इस अवसर पर पूर्व एडिशनल SP चंद्र सिंह, हरिसुदन शर्मा, मुरारी लाल शर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सरकार के साथ कई सारी मांगे हैं, दो तरह की हमारी मांगे हैं। एक तो पेमेंट भुगतान संबंधी, भुगतान में जो है हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन सैंक्शन होगी उसके बावजूद भी वो उनको साल साल भर से पेमेंट नहीं मिला। जाते हैं तो वो उसको बताता है, वो जयपुर बताते हैं, जयपुर वाले कोटा बताते हैं। लिहाजा इसमें सिर्फ प्रशासनिक जो है खराबी है, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात है हमारी इलाज वाली, जो है इलाज में जो है वो एक मतलब जो है डायरेक्टर है वो ऐसी निकम्मी औरत है कि उसने मतलब जो है एक एक मतलब जो है ऐसे आदेश निकाल देती है उल्टे सुलटे की, जिससे हम परेशान होते हैं। इलाज संबंधी और पेमेंट संबंधी वाली जो हमारी समस्या है और उसके लिए हम उनसे लड़ रहे हैं। जयपुर जाने की बात कही गई है, जयपुर अगर ये नहीं माने तो हम मतलब जो है सारे जिले जयपुर प्रस्थान करेंगे पैदल।